स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के चैनल टैग दिंगाना में। और अगर आप एक टैग लवर है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं एक एंड्रॉयड बॉक्स की, जो 4K है, जिसमें 4GB का रैम लगा हुआ है और 32GB इंटरनल है। तो यहाँ पे हम इसको जो है टेयर डाउन करने वाले हैं, यानी हम जो इसको ओपन करके देखने वाले हैं कि इसमें कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, साथ ही इसमें कौन से कोर मौजूद है, और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी एक एंड्रॉयड बॉक्स की, तो इसमें क्या क्या मौजूद होता है जब भी आप कोई एंड्रॉयड बॉक्स ख़रीदते हैं। तो साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है आपके लिए, कि अगर आप एक बॉक्स ख़रीदें तो आपके लिए क्या इसमें लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना, और मेरे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम खोल लेते हैं इस सीजन के एंड्रॉयड A1 बॉक्स को, जो चलता है 4K पे, साथ में यहाँ पे जो है 32GB इंटरनल है, और इसमें आपको जो है सारी फॉर्मेट का जो है सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, और ये जो है आवाज़ पे चलता है। अगर आपके पास एक स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप जो है इसको स्मार्ट टीवी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम जो इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। और ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसी वीडियो देख के आपका बॉक्स अगर आप ओपन करते हैं तो हो सकता है आपका बॉक्स जो है डैमेज हो सकता है, तो आप जो है ये चीज़ें घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि इससे जो है आपका नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो है बॉक्स को ओपन कर लिया है, अब निकाल लेते हैं इसका मेन बोर्ड और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें इंटरनल स्टोरेज कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नंबर का यहाँ पर जो है EMMC फ्लैश मेमोरी लगी हुई है, जो स्टोर करती है 32GB तक, और यहाँ पे जो चिप लगा हुआ है इसका इंटरनल स्टोरेज का वो है सैमसंग का। इस बॉक्स की CPU की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 8 कोर मिलते हैं इसके CPU में, तो 4 यहाँ पे चलते हैं 1.5 GHz A53 पे, और जो 4 चलते हैं वो चलते हैं 2.2 GHz पे। तो यहाँ पे CPU का काम यह होता है कि आपके बॉक्स को जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कराना। साथ में यहाँ पर यह भी बता दूँ कि यहाँ पर आपकी जो क्लॉक स्पीड होती है जितनी ज़्यादा रहेंगी आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको 4 सामने से दिखाई दे रहे हैं और 4 बैक साइड में, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 और 4 8 होते हैं, और इसे कहते हैं ऑक्टाकोर CPU। और इसमें जो है मेन प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो रॉक चिप है, जिसका मॉडल नंबर है RK3328, जो चलता है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और इसमें जो आप 3D गेम और HDR क्वालिटी की वीडियोज़ और इमेजेस देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे वो चिप लगी हुई है रॉक चिप, जिसका मॉडल नंबर है RK3328। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग टाइप मेटल, इसे कहते हैं हीट सिंक्स, जिसकी वजह से आपकी जो बॉक्स की मेन IC होती है वो ज़्यादा हीट नहीं होती है, और ये इसको जो है ठंडा रखने में मदद करता है। और इसके बाद आप देख लेते हैं इसका GPU, तो यहाँ पे इसमें लगा हुआ है GX वाला, जो आपके गेम को जो है बूस्ट करता है। अगर आप 3D गेम या हायर गेम खेलते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और यहाँ पे लगी हुई है इसकी रैम जो 4GB की है DDR3 की, तो रैम में भी आपको जो है डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मिलती है, चाहे DDR2 की हो, DDR3, DDR4, 4X, तो इस टाइप से जो है रैम आती है। तो कम से कम आप जो है स्मार्टफोन ख़रीदते हैं या फिर बॉक्स ख़रीदते हैं एंड्रॉयड वाला, तो वहाँ पर आप जो है ये भी देख ले कि उसका रैम कौन सा लगा हुआ है। अगर आपको DDR3, DDR4 या 4X मिलता है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो है आपको ज़्यादा स्मूथली परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बैक साइड की बात करें इसके, तो यहाँ पे आपको इथरनेट, AV केबल, HDMI केबल और ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल पोर्ट यहाँ पे काम करता है, इसमें जो एक लेज़र लाइट आती है, तो इसके ज़रिए आप जो है 5.1 ऑडियो या फिर डॉल्बी डिजिटल ऑडियो जो आउटपुट निकाल सकते हैं आपकी होम थिएटर के लिए या फिर आपके जो है म्यूज़िक सिस्टम के लिए। तो ये जो है एक अच्छा फीचर है अगर आप जो है एक हाई क्वालिटी का ऑडियो सुनना चाहते हैं या फिर आप एक म्यूज़िक लवर है। तो इस तरह से इस बॉक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, GPU, CPU, RAM और इसका जो मेन प्रोसेसर होता है वो, और इसमें और क्या चीज़ें आती है वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल चुकी होंगी। और इसमें आपको जो है USB 4.2 इस टाइप से मिलती है, और ये बॉक्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉक्स है, यानी AI बॉक्स है, जो आपके वॉइस कमांड पर भी चलता है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में बॉक्स आ चुके हैं, लेकिन जब भी आप कोई बॉक्स खरीदे तो यहाँ पे इसका जो इंटरनल मेमोरी, इसके कोर, इसका मेन प्रोसेसर, साथ में रैम, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप बॉक्स ख़रीदते हैं तो आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएँ।